ओए ओए, ये क्या किया? क्या किया? टिशू हाय कर, ए टिशू। यहाँ से गीली मट्टी लेके जा इधर से। ये देखे पानी के पास की जो मट्टी है ना, थोड़ी सुन। हाँ ये उठा। फिर अभी और आ जाना, फिर नाव बनाना। ऐसे लड्डू ऐसे बनते बेटे, ऐसे ऐसे ऐसे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? टीशा कैसी है? अच्छी हूँ। टीशा की कल क्या है? पेरेंट्स मीटिंग। तो टीशा कल कहाँ जाएगी? जयपुर। टीशा कौन सी क्लास में है? फर्स्ट। अभी मैं बना रही हूँ चाय शाम की, और इधर भाभी बनाएंगे टिशू के लिए चिल्ला और टेप, जो मैं भी फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ कि चिल्ले का बेटा। क्योंकि ऑलमोस्ट अपन बेसन का सूजी का ही चिल्ला बनाते हैं, आटे का मेरा भी नहीं खाया हुआ, तो भाभी मेरे लिए भी बनाएंगे और टिशा के लिए भी बनाएंगे। तो अभी आपके साथ भी शेयर करती हूँ आटे के चिल्ले की रेसिपी, तो देखो भाभी कैसे बनाती है। तो वही तवा पर वो स्प्रेड किया हुआ, वो चिपको को नहीं दिखा। कोई ना, अभी इसमें आटा, सूजी, अजवाइन, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और प्याज, और आप जितने भी वेजीज डालना चाहो उतनी वेजीज। अभी देखो ऐसा पेस्ट बना लिया इसका। अभी बन रहा है चिल्ला गेहूँ के आटे का, तो मैं तो आप देख ही रहे हो मैं कितनी एक्साइटेड हूँ आटे का चिल्ला खाने के लिए। हेलो गाइस, ये जो पराठा है ना, जो चाची बना रही है चिल्ला, नहीं हाँ सॉरी चिल्ला, ये मेरी मम्मी ने बनाया ना कि चाची ने। पूरा फिनिश किया है? पेट फुल हो गया? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा सच में, हेल्दी हेल्दी है और स्नैक टाइम में एकदम इजी रेसिपी, बहुत अच्छा, ट्राई जरूर करना। तो अभी कुछ नहीं, अभी तो काम तो कुछ नहीं है, अभी सीधा शाम को डिनर बनाना है। और अभी ऑलमोस्ट 6:30 तो हो गए, तो अभी थोड़ी देर बैठेंगे बाहर, चाय वगैरह सब ने पी ली, तो अभी थोड़ी देर बाहर बैठेंगे। बारिश हो रही है बाहर? नहीं हो रही, रुक गई। हाँ। तो अभी थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद शाम को डिनर बनाएंगे, जिसमें आज भाभी कुछ
न्यू ट्राई करेंगे सब्जी, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये बारिश कब खत्म होगी? खेलना है अपन दोनों, खेले बारिश में ही खेल लेंगे। मम्मी है ना, कोई नहीं, चेंज कर लेंगे कपड़े, थोड़े से तो भीगेंगे, इतनी तेज बारिश नहीं है। क्या वो लड्डू लड्डू बने सुबह की तरह? मम्मी हाथ है ना, हो जाएगा तो अभी काफी टाइम से बारिश हो रही है और हमारी तीशा इस वजह से खेल नहीं पा रही। इसको मुश्किल से यहाँ आने में थोड़ा सा मौका मिलता है खेलने का, जिसमें से बारिश, और सुबह तो जयपुर चले भी जाएंगे 6 बजे और उसमें भी नहीं खेलना हो रहा। ये देखो अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसे हम दोनों ही अंदर बैठे हैं। क्यों तीशू अंदर नहीं, बाहर है, मतलब बरामदे में खेले क्या? बैडमिंटन खेले मेरे को खुद, हाँ मैं प्रैक्टिस भी कर लूँगी सर ने भी। पर बेटा ये इस पे पानी है, अपन पिसल जाएंगे अंदर तो उस पे लग जाएगी, अपन से खेला ही नहीं जाएगा। सूखे वाले में खेल, थोड़ी देर रुक जाइए, वो वहाँ से थोड़ा सा सुख और जाएगा ना उसके बाद, क्योंकि अभी तो ना उस पे पैर जाएंगे सुबह, जैसे तेरे जा रहे हैं ना उसमें पैर, वैसे बाय कर दे। बाय। अभी कॉर्न को बॉईल करने के लिए रख दिया है, इसमें हल्दी और नमक डाल के कितनी देर बॉईल होगा? 5 to 7 minutes। 5 to 7 minutes इसको बॉईल करना है। अभी डिश का नाम पता है क्या है? शाही कॉर्न मसाला, यही है ना? तो आज न्यू रेसिपी ट्राई करो आप लोग भी। और अदरक, पेस्ट बनाएंगे, इसमें काजू डालेंगे, अदरक भी डालोगे इसमें? काजू भी डालेंगे, सारा कुछ एक साथ में ग्राइंड कर लेंगे। और काजू ये रहे, काजू को पहले सॉफ्ट करना है गर्म पानी में। और वो इतने कौन छोड़ क्यों दिए? तो इतना फेस लिए। अच्छा ऐसा ही है। और मैं कर रही हूँ लहसुन, यहाँ पे ग्रीन शिमला मिर्च और प्याज को छोटा छोटा बारीक चॉप कर लिया। प्याज को थोड़ा सा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक अपन इसको कुक करेंगे, और उसके बाद जो टमेटो प्यूरी बनाई थी, काजू वगैरह डाल के, हरी मिर्च लहसुन वगैरह डाल के वो डाल दी। अब इसको अच्छे से कुक करेंगे जब तक ये साइड से ऑयल नहीं छोड़ने लग जाएगी। ये देखो ऑयल छोड़ने लग गए हैं। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च, और जीरा पाउडर। अब इन मसालों को अच्छे से कुक करेंगे जब तक साइड से ऑयल नहीं छोड़ देंगे। अभी इसमें गरम मसाला ऐड किया है, मसाला कुक हो गया। अब इसमें कैप्सिकम जो कट करके रखा था
वो डाल दिया और उसमें जो बॉयल्ड कॉर्न थी वो डाल देंगे अब इसमें। अब इसमें डालने के लिए क्रीम नहीं लाई हुई थी तो हमने फ्रेश मलाई दूध से निकाल के वो डाली। और सच में ट्राई करना, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छे से कुक करेंगे 5 to 7 मिनट। और ये देखो बाहर किशोर क्या कर रहे हैं। ऐसे बोलो कि है ना चिकू, इसको ऐसे पकड़, पकड़ो तो चिकू दीदी क्या बोल रही है वो करो ना, पकड़ो तो। ये देखो सब्जी रेडी है, शाही कॉर्न मसाला बहुत टेस्टी है। मैंने तो खाने से पहले ही मैंने टेस्ट करके देख लिया, बहुत टेस्टी है। और भी मैंने आटा लगा के रख दिया। बस भैया और पापा जी गांव में गए हैं, वो आ जाए, उसके बाद मेरे को सिर्फ रोटी बनानी और कुछ नहीं करना। अभी खाना वगैरह सबका हो गया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।